1111 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। दाल वाला ज्यादा, दाल चटपटा दाल अभी देंगे, चटपटा दाल तुम्हें। कितनी भीड़ है देखो अभी सर, देखो देखो क्या यार, इधर ऊपर चढ़ जा, इधर उतरने दिया नहीं किसी को। वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब व्लॉग। आज की हमारी जर्नी होने वाली है उधमपुर टू कोटा वीकली सुपर फास्ट एक्सप्रेस। यही ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा टू कोटा वीकली सुपर फास्ट एक्सप्रेस बन के चलती है। उधमपुर से कोटा की तरफ जाती है, इसका नंबर होता है 20986। श्री माता वैष्णो देवी कटरा आती है कोटा से, तो इसका नंबर होता है 19803 19804। तो भाई कैसी क्या जर्नी होने वाली है, जनरल क्लास या मतलब कह लो तो द्वितीय श्रेणी जिसे बोलते हैं, प्रीमियम टाइप किसी लगती है। LHB इसके रेक हैं, नॉर्मली लगेज का यहाँ पर दे रखा है, बाकी बिल्कुल स्लीपर टाइप की है। इस पर भी बैठने के लिए आपका लगाया हुआ, मतलब आप इस पर सीटिंग भी कर सकते हैं। वॉशरूम वगैरह है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है एवरीथिंग, इंटीरियर, ट्रेन, ऑक्यूपेसी, तो भाई सब कुछ ठीक है। आज है थर्सडे और उधमपुर से ये ट्रेन चलती है ठीक 6:40 पे यहाँ से होंक दे देगी, ये रवाना हो जाएगी कोटा के लिए। तो भाई इसका फर्स्ट जो होल्ट होगा वो होगा जम्मू तवी। बाकी जो इसका भी फिलहाल पानी का है, वर्किंग कंडीशन में है। वॉशरूम वगैरह देख लेते हैं, तो वॉशरूम वगैरह इस टाइप का है भाई। अभी तो कोई अभी अभी फ्रेश होके गया भाई। ये जो साइड आप सामने देख रहे हैं, यहाँ से जाती है श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए ट्रेन, लेकिन फिलहाल अभी हमें जाना है यहाँ। इस ट्रेन के अंदर खुद की ही एक पेंट्री कार है, तो आप जाके या तो पेंट्री कार में ले सकते हैं और रेट लिस्ट वही ले जो IRCTC ने तय करी। अब ये कैसे पता लगाया जाए कि IRCTC ने क्या रेट लिस्ट तय की हुई है, तो इसके लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर वो PDF फाइल डाउनलोड कर दीजिए, उससे ज़्यादा कुछ भी मत दीजिए। या फिर उनका जो मेन्यू कार्ड है उसमें देख के ही आप उन्हें पे कीजिए। आपको जो भी आइटम लेना है, कुछ भी खाना है, कई बार क्या रहता है जो रेल नीर है वो इन ट्रेनों में अलाउड होता है, 15 रुपये का उसका प्राइस होता है, ठंडी करके उसे बेचते हैं 20 रुपये में, और कई बार तो लोकल भी उसमें बेचने लग जाते हैं जो कि इलीगल है। ये ट्रेन टोटल 20 होल्ट लेके पहुंचती है, 1111 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लेती है टोटल 18 घंटे कोटा तक पहुँचने में। तो हमारी ट्रेन है वो ले रही है उधमपुर रेलवे स्टेशन से डिपार्ट। पहली बार, ये मेरी पहली जो ट्रेन व्लॉगिंग है ये पहली बार मेरी हो रही है जनरल क्लास के अंदर, मैं यानी सेकंड सीटिंग के अंदर। तो भाई पहली बात तो पहला एक्सपीरियंस यही मिल गया, अच्छी है, लेकिन भाई यहाँ पे प्रोटेक्शन पूरी तरीके से नहीं है। एकदम जब ट्रेन चलती है तो बड़ी तेज झटका आता है इसके गेट पे। सामने आप देख रहे हैं ये तवी रिवर।
आ गया नेटवर्क, आ गया नेटवर्क, आ गया नेटवर्क, आ गया। सनसेट व्यू पॉइंट देखो, सनसेट हो रहा है, कितना ब्यूटीफुल व्यू है यार। इस ट्रेन में आपको सनसेट भी देखने को मिलेगा जस्ट जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से पहले। कैसे लेट के जा रहे हैं, थोड़ी देर में आएंगे, अभी जम्मू तवी से इतनी भर जाएगी खचाखच, और फिर बोलेंगे भाई यहाँ पर मत लेटो, सब बैठेंगे यहाँ पे, सार्वजनिक है, आपको लेटना है तो स्लीपर मत जाइए, यहाँ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मिल के बैठना पड़ेगा, उधर भी बैठाइए, नीचे भी बैठाइए, हर जगह बैठाइए। एक गेट की सवारी कर रहे हैं, शेषनाथ के मंदिर। तो दाल वाला नहीं आ रहा, दाल चटपटा दाल, अभी देंगे चटपटा दाल तुम्हें। भाई की फरमाइश पूरी की जाए, चटपटा दाल मंगा रहे, कह रहे चटपटा दाल नहीं आया। कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस 13151, जो जनरेटर कार लगाया हुआ है वो लगाया हुआ है दुरंतो का। किसी दिन इसमें भी ब्लॉगिंग करने वाले हैं, क्योंकि ये इकलौती ऐसी ट्रेन है ये भी, जो श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए, जिसमें भक्त आते हैं बंगाल साइड से। ये भाई हिमगिरी एक्सप्रेस जम्मू तवी तक, हावड़ा से जम्मू तवी हिमगिरी एक्सप्रेस। ये देखो भाई कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है देखो, अभी सर देखो देखो क्या यार, इधर ही ऊपर चढ़ जा, इधर ही उतरने दिया नहीं किसी को। ये देखो भाई, देखो 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 देखो, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड है इसका JAT। तो भाई यहाँ पर ये इस गाड़ी का आने का टाइम है 7:36, फिलहाल आई है 7:50 पर, 15 मिनट लेट है। यहाँ पे 6 मिनट का होल्ड लेते हैं, 7:42 पर चलती है, लेकिन फिलहाल भाई लेट है तो 1-2 मिनट में ही चल सकते हैं। 29 ट्रेन इस स्टेशन से टर्मिनेट होती है और 30 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, और जबकि 67 ट्रेन यहाँ से होल्ट लेके चलती है। तो यहाँ पर मोस्टली ट्रेनें यहाँ पर रुकती हैं, जैसे कि जम्मू तवी राजधानी एक्सप्रेस, उत्तर संपर्क क्रांति, मालवा एक्सप्रेस, स्वराज एक्सप्रेस, जम्मू मेल और वंदे भारत प्रीमियम ट्रेन है, वो सारी यहाँ पर रुक कर चलती हैं। तो भाई लोग ये माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आए हैं भवन से, माता वैष्णो देवी तक आ गए। मैं कम से कम एक बार अमरनाथ गया था, मैं दो बार जाया हूं लगातार अमरनाथ। अच्छा, पिछला भी गया था मैं, उससे पिछले साल भी गया। तो इस साल प्लान नहीं किया कुछ ऐसा, फैमिली के साथ में लेके आना थे, पिछली बार बच्चा फटा था तो वहीं पे हम बेस कैंप पे, बहुत बुरी हालत हो गई थी हमारी पिछली बार, जो खाना पीना है नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि पूरी ट्रेन भर जाएगी पर ऐसा नहीं हुआ, मतलब जो सेकंड क्लास जो कोच है अभी भी खाली हो। यहाँ पे जो लोकोमोटिव है उनकी मरम्मत की जाती है, WAG 9 HC, WPCM गाजियाबाद शेड का, WAP 5, बहुत सारे, ये WAP 7 हावड़ा शेड का। जाहिर सी बात है तो जम्मू तवी टू हावड़ा जो ट्रेन जो चलने वाली है उसी में ही लगेगा ये लोकोमोटिव। जाएगा दिल्ली जाएगा, अंकल जी दिल्ली जाएगा, आप बैठे रहिए आराम से, बैठिए सीट पे। कि दिल्ली जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा दिल्ली बताइए, हंस रहे हो बताओ, अरे बताओ दिल्ली जाएगा ही नहीं जाएगा, हाँ करो। पठानकोट पे बैठे रहो आराम, जाएगी तो पहुंच जाओ। नहीं जाएगी, बैठे रहना, कहीं तो जाएगी, कहीं तो जाएगी। भाई किसी बंदे ने पूछा इनसे कि भाई दिल्ली जाएगी, कह रहा है दिल्ली नहीं जाएगी, मथुरा जाएगी, मथुरा जाएंगे हम। क्या हो भैया, क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? सीधी सीट है, बैठो आराम से। मैं बोल रहा हूँ उससे भाई, एक प्यारी गाड़ी नहीं, दो पे आएगी, पकड़ी क्या, इस बार
अब तो वहीं बैठ जाना था, कौन क्या कहता, कोई कुछ नहीं कहता। बिरयानी बर्गर सैंडविच। आपको इस ट्रेन के अंदर मतलब जनरल कैटेगरी के जो कोच है उनमें भी खाना एकोमोडेशन IRCTC की तरफ से मिल जाएगा। अरे तो मथुरा तो नहीं आया अभी, मथुरा आ गया यार। अरे मत जाओ यार, हमारा मन कैसे लगेगा। सरकारी बस है। तो बात ऐसी है, वेंडर्स आते हैं IRCTC के, उनसे मैंने बात की। यहाँ का जो खाना है, जो फूड है इस ट्रेन का, बहुत ही ओवर प्राइज्ड है। मेरे को ज़्यादा देर इस ट्रेन के अंदर रहना नहीं है, तो मैं पंगेबाजी नहीं लेता मतलब ज़्यादा, तो मेरे को खाना भी नहीं है। तो वेज बिरयानी बर्गर वगैरह ये सब दे रहे, तो मैंने वेज बिरयानी का रेट पूछा तो उन्होंने बताया 100 रुपये, जबकि वेज बिरयानी का जो रेट है IRCTC की जो साइट है उस पर वो है 70 रुपये। ट्रेन चल के आई 129 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंची है अपने तीसरे होल्ट कठुआ। KTHU इसका स्टेशन कोड है, और यहाँ पर आने का इसका टाइमिंग है 8:50, 9:09 पर आई है, यानी 19 मिनट लेट, 2 मिनट का होल्ट लेती है। 2 प्लेटफॉर्म हैं और 6 रेलवे लाइन्स हैं। मोस्टली यहाँ पे उत्तर संपर्क क्रांति भी रुकती है भाई। तो यार लाइट बहुत ज़्यादा कम है इस स्टेशन की, तो मुझे ही अपने जो मोबाइल है उसकी लाइट जलानी पड़ रही है गाइस। तो अब जाके ये लाइट आई है। तो कठुआ स्टेशन के बाद में जो जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी है वो ख़त्म हो जाएगी, और आपके प्रीपेड जो भी नेटवर्क्स हैं वो आ जाते हैं। फिलहाल हम ले रहे हैं डिपार्ट कठुआ स्टेशन। ये भाई रुके हैं क्योंकि जो पुल है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है गैप वाला, और ऊपर से कौन वॉशरूम में बैठा और कब वो निकाल दे, तो इसलिए वो पहले ही रुक जाते हैं पुल से। फिलहाल निकल रही है ट्रेन भारोली जंक्शन से। तो भाई ये ट्रेन है दुर्ग से उधमपुर, ट्रेन का नाम है उधमपुर एक्सप्रेस। भाई ट्रेन पहुंची है 152 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने के बाद अपने चौथे होल्ट पर, और हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पर हमें यहीं उतरना था, पठानकोट कैंट। इसका स्टेशन कोड है PTKC, और टोटल यहां पर 160 ट्रेन होल्ट लेती है। यहां से मुख्यतः एक लाइन निकल जाती है, यहां से जलंधर के लिए एक ती है, अमृतसर के लिए एक ट्रैक निकल जाता है, यहां से कांगड़ा वैली के लिए, और दूसरा तरफ अपोजिट साइड में ट्रैक निकल जाता है किसका, श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए। ट्रेन का यहाँ पे टाइमिंग है 9:34 आने का, ट्रेन आई है 9:34 पे, 2 मिनट लेट है, कोई इशू नहीं है, कवर कर जाती है। तो भाई ट्रेन अभी तक भी इसका जो
जनरल कोच था वो अभी भी खाली है भाई। फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको हमारी ट्रेन जर्नी स्लीपर हमारी ट्रेन जर्नी सेकंड क्लास की पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो भाई मिलते किसी और ब्लॉग में किसी और दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।